बात बहुत ज़्यादा झुकी किसी ने कॉमेंट हेलो गाइस गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब आई होप बहुत अच्छे होंगे तो ये जो ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ ये है फ्राइडे का और आज है सैटरडे सैटरडे मैं लाइव कर दूँगी फ्राइडे का ब्लॉग है सुबह सुबह मैं उठ के आई किचन में अभी कोई नहीं उठा हुआ है तो मैं यहाँ पे चढ़ा रही हूँ करेला बिकॉज़ मुझे करेला भर के बनाना है और आज मैं करूँगी बिना टमाटर वाले करेले बनाने की ट्राई ओके क्योंकि आप लोगों ने बोला था आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने यह कमेंट किया था कि टमाटर कौन डालता है लेकिन मैं आपको बता दूँ टमाटर टमार्ट, वाले में एक अलग ही स्वाद आता है वो मैंने फर्स्ट टाइम मम्मी के हाथ का खाया था सासू माँ के हाथ का मुझे बहुत टेस्टी बहुत यमी लगा था तब से मैं बनाने लगी मैं भी बनाती हूँ तो सब लोग खाते हैं मतलब तो सबको बहुत अच्छा लगता है साइड में मैंने चाय चढ़ाया हुआ है तो उसी में जो भी सामग्री डालते हैं वो सब मैं डाल रही हूँ साथ में मैं अपना जो है आटा थोड़ा सा लगा लूँगी धनु के लिए थोड़ा सा क्या ये आटा पता है क्या हुआ जब कल एक दिन पहले रोटी बनाने के लिए आटा गूंदा था और अभी दो तीन ही रोटी बनानी बनाई थी तभी खबर आ गया था और हमें कहीं जाना पड़ा था वो आटा ऐसे ही रह गया था और दूसरा कि फिर मैंने थोड़ा सा आटा साना धनु के लिए बिकॉज़ उनको स्कूल जाना है तो उसके लिए मुझे लंच बनाना है तो मैं उनके लिए बटर वाले जो है पराठे बनाऊँगी तो मैं आपको बता दूं कि करेले में ना अगर आप टमाटर ज़्यादा डालोगे ना पीस के या घीस के तो वो अलग सा खट्टा वाला स्वाद आता है और बहुत अच्छा लगता है बहुत टेस्टी लगता है कभी आप लोग ट्राई करना ऐसे नहीं ज़रूरी कि जो आप बनाते हो वही सब बनाते होंगे या जो मैं बनाती हूँ वही सब बनाते होंगे ऐसा नहीं होता है

ओके हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बाद में स्वागत करती हूँ फिर मैं मम्मी को नहा धो के मम्मी को लेके चली हॉस्पिटल हॉस्पिटल हम दोनों जा रहे हैं मम्मी का फेस इतना नहीं है दिखाने लायक कि मैं दिखाऊं बिकॉज उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है आपको पता है आजकल जो है मेरा चक्कर हॉस्पिटल का बहुत ज़्यादा लग रहा है और जो हॉस्पिटल का चक्कर लगाते हैं ना उन्हें पता होता है कि कितनी थकान होती है जब इधर से उधर भागना पड़ता है तो सोचो कि मेरी ये हालत होती है फिर जो पेशेंट होते हैं उनकी क्या हालत होती होगी कुछ कागज़ जो है मम्मी का घर पर इधर उधर कुछ हो गया था और मम्मी को लगा इस फ़ाइल में ही है बहुत देर तक ढूंढा उस कागज़ के नाम मिलने की वजह से मुझे बहुत चक्कर लगाने पड़े कभी यहाँ कभी वहाँ जहाँ स्कैन किया हुआ था वहाँ से निकला हुआ फिर दूसरा जो कागज़ था वो भी मतलब तो सारे ही कागज इधर उधर हो गए थे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो मुझे बहुत भागम भाग हुई और फिर घर आके मेरी तबीयत भी खराब हो गई सो गई अभी मैं हॉस्पिटल से आ रही हूँ मम्मी को लेके वहाँ भी कोई मिला हुआ था तो भाग के जा रही थी वहाँ पे काम करती हैं वो शायद हॉस्पिटल में भाग के जा रही थी फिर आई दौड़ के आप काम नहीं सी ना ऐसे फिर मम्मी को पूछा उन्होंने बोला हाँ तबीयत थोड़ी ख़राब है एक्चुअली मम्मी को लेकर चक्कर बहुत ज़्यादा लग रहा है और आज तो सुबह हम गए थे मुझे लग रहा है ग्यारह बजे ढाई बजे हम आए हैं मुझे लगा एक घंटे में काम हो जाएगा मम्मी का ब्लड टेस्ट करवाना था लेकिन उस चक्कर में वहाँ पर इतने चक्कर लगे हैं ना इतने चक्कर लगे हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ पूरा थक गए हम दोनों ऊपर से मम्मी का जो ब्लड निकाला है छः छः यूनिट बोले क्या जो छः उनका जो बोतल होता है ना छोटा वाला जैसे वाला उसमें क्योंकि टेस्ट भी बहुत सारे थे और उनके हाथ में दर्द हो रहा है सो गई हैं एक तो एलर्जी की दवाई खा रही हैं उसकी वजह से भी नींद ज़्यादा आती है और उनको और भी वैसे दवाई दे रखा है जो जिससे नींद आए और वो सोए तो सो रही है अभी इधर मैं बाबू को बुला रही पर आ नहीं रहा है। वहीं पे बैठा हुआ है वहीं फ़ोन चला रहा है मैंने बोला नहीं बाबू दादी को सोने दो आप आ जाओ तभी आएगा तुरंत देखना भाग के जैसे मैंने दरवाज़ा बंद किया तो इस चक्कर में ना जब कहीं भी बाहर जाओ ना और आओ तो इंसान थक जाता है और इस चक्कर में मेरा कोई भी कोलाब्रेशन नहीं हो रहा है कि मैं कहीं बाहर जाती हूँ आती हूँ तो मैं इतनी थक जाती हूँ कि मैं दोबारा कोई काम नहीं कर पाती अभी ये सारे रखे हुए हैं अभी वहाँ पे रखा हुआ है मतलब कि जो भी सारे पार्सल उस डिब्बे में रख रखी हूँ ओपन भी नहीं करके देखा लोग मैसेज आ रहे हैं कि मेरे प्रोडक्ट मिले नहीं मिले पर मैं वो भी नहीं कर बट सॉरी मैं इसी वजह से नहीं कर पा रही हूँ रोज़ सोचती थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ और उठूंगी फिर उसके बाद करूंगी लेकिन मैं कल भी कहीं जाना होता आपको बताया ही था उसमें इतने थक गए थे कि शाम को छः बजे में आराम करने के तो कब उठती कब बनाती बस वही हो जा रहा है और मैं थोड़ी तो सी कोशिश करती हूँ कि थोड़ी सी लाइटिंग की प्रॉब्लम है तो मैं सनलाइट में ही बनाऊँ रील्स वगैरह ताकि क्लियर आए लोग कहते हैं आपके आईफोन है फिर भी क्लियर नहीं पता नहीं क्या हो जाता है कभी तो बिल्कुल क्लियर आता है और कभी तो बिल्कुल ही ब्लर सा आता है कितना भी मैं क्लीन करती रहती हूँ कैमरे को फिर भी खैर तो इसी वजह से नहीं कर पा रही तो मैं अभी जा रही थोड़ा सा रेस्ट करने और उसके बाद उठती हूँ तो देखती हूँ चार तो बजे गए होंगे कितना टाइम हो रहा है देखो तीन बज के सात मिनट हो रहे हैं तो देखती हूँ अगर पाँच बजे उठ के बना पाऊँ तो, तो धनु ही नहीं सोएंगे सोने जाएंगे पाँच बजे मम्मी को दवाई दी गई थी इसके वजह से वो सोई हुई थी और फिर मैं सो के उठी और यहाँ किचन में आई हूँ चाय रखी हूँ और खाना शायद रख दिया या रखने जा रही हूँ फिर मैं यहाँ बैठी हुई थी बिकॉज़ कोई नहीं था अभी और पति जी भी ऑफिस से आने वाले थे तो मैं उन्हीं का इंतज़ार कर रही थी और पापा जी के लिए सबके लिए चाय रखी हुई थी और मेरी तबीयत थोड़ी ऐसी ख़राब सी लग रही थी ना कि बिल्कुल ही कुछ हिम्मत नहीं हो रहा था मैं क्या करूँ कैसे करूँ तो चुपचाप ऐसे टेबल पर बैठ गई और तो गई चाय के साथ साथ यहाँ पे मैं अपना लग गई हूँ खाना की तैयारी में कि क्या खाना बनाऊँ तो दाल चावल रख रही हूँ आज मैं बनाऊँगी आलू का चोखा जो कि बहुत दिन हो गया था खाए हुए और हमें आलू का चोखा बहुत अच्छा लगता है उसको भून के बनाते हैं और खाते हैं तो इतने में पति देव जी आ गए

गाइज रात का जो खाना था मैंने बनाया निक्की ने बर्तन धोए और जो लोग मेरे ब्लॉग नहीं देखते उनको लगता है कि हो काम नहीं तो काम ही नहीं करती जठानी जी तो काम ही नहीं करती हैं खैर छोड़िए उनका हम क्या कर सकते हैं ऐसे लोगों का पता नहीं क्यों लगता है कैसा लगता है भगवान नहीं जाने खैर अब ये मॉर्निंग का टाइम है मैं आई हूँ सैटरडे वाला दिन है तो आज जो है और किसी को ऑफिस नहीं जाना ना बच्चों को स्कूल जा रहे सिर्फ पतिदेव जी को ऑफिस जाना है तो किचन में आई सब लोग सोए हुए थे तो लाइट ऑन किया और उसके बाद मैंने रखा सबसे पहले चाय बिकॉज मुझे पति जी को भी चाय चाहिए मुझे तो चाहिए ही पापा जी को सबसे पहले चाहिए होता है उसके बाद बनाई मैंने सब्ज़ी आलू और शिमला मिर्च की वही मैं धो के ला रही थी रात को ही मम्मी ने कट करके रख दिया था मम्मी हमेशा सब्ज़ी कट कर देती हैं हम देते हैं या खुद से ही मांग के वो कट कर देती हैं और साइड में मैंने चाय रखा और बनाने के बाद फिर मैं और पतिदेव जी बैठ के चाय पिए कैसी लग रही हुआ तो नहीं लग रहा साफ कर ले इसको जा रही हूँ बनाने ब्रश करने Actually, आपको पता है क्या मैं जब बीमार पड़ती हूँ तो मैं वीडियो नहीं बनाना चाहती कुछ भी ऐसा मुझे लगता है कि मैं मैं तो खुद इतना लो लो फील कर रही हूँ इतनी आ, परेशान हूँ फिर मैं वीडियो बनाऊंगी जो मेरे चाहने वाले हैं वो परेशान होंगे तो फिर ऐसा अच्छा नहीं लगता मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता लेकिन कभी कभी बनाना पड़ जाता है आप लोग पता नहीं क्या बोलने लग जाते हो सोचने लग जाते हो इस वजह से तो बना लेना चाहिए लेकिन क्या बताऊँ मुझे हुआ क्या मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा फीवर आएगा मुझे लग रहा है ये जो है ना सबका जो यही हाल है सबको हो रहा है कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, ना, कुछ, ना, कुछ होता ही रह रहा है तो मम्मी आज कह रही थी सासूमा कि बस तुम ही एक बची हुई हो घर में तो लगता है कि तुम्हारा अब टाइम है आने वाला है मैंने बोला नहीं मम्मी बट अभी तो फीवर नहीं है कल से जब मैं हॉस्पिटल में थी ना हॉस्पिटल में मैंने बताया ना बहुत ज़्यादा चक्कर लग गया था इधर उधर जाना आना बहुत कुछ तो इस वजह से उसी टाइम मुझे लगा शायद थकान हुआ है क्या हुआ है, कैसे तो मैंने तो फिर फिर कुछ ब्लॉग्स खास किया नहीं शाम का खाना वाना बनाई और थोड़ा सा जो भी खाना था खा रही थी ना ऐसा लग रहा था उल्टी आ जाएगा उल्टी फिर मैं छोड़ के आगे कि सुबह आज हो भी गया सुबह उठी पति देव जी को बस ऑफिस जाना था सैटरडे है ना तो इसलिए मैं सबको चाय वाय बना के दी सब्जी बनाई रोटी नहीं बनाई उनको लंच वंच दे के फिर घर पे मैं घर पर आई पर मैंने सोचा ना मैं ये ब्लॉग इसलिए शूट कर रही हूँ और शेयर कर रही क्योंकि एक बात जो है ना मुझे मतलब तो आप लोग कहते हो कि जो नेगेटिव कमेंट है ना उसको दिल पे मत लिया करो इग्नोर किया करो कभी कभी ऐसा लगता है कि आ, हम जब ना कुछ बातें नहीं बताते हैं लोगों को तो और ज़्यादा गलत फहमलियाँ ऐसे बनती जाती है लेकिन गाइस कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम नहीं बता पाते स्पेशली सोशल मीडिया पर तो बिल्कुल भी नहीं मैं सोशल मीडिया छोड़ू मैं तो घर में फैमिली में नहीं बता पाती हाँ बताओ बंद कर दो ठीक से दबा दो आराम से तो वो चीज़ें नहीं बता पाती हूँ आपको पता है आज के डेट में मुझे आ, मैं ना जो रोने वाली बात है तो मुझे मेरी लाइफ में ना दो तीन लोग ऐसे हैं ना जो मुझे बिल्कुल भी रोता हुआ नहीं देख सकते सबसे पहले जो है वो मेरी माँ वो मुझे बिल्कुल भी रोता हुआ नहीं देख सकती मेरे आँखों में आंसू नहीं देख सकती सेकंड जो मेरे हस्बैंड वो मेरी आँखों में बिल्कुल भी आंसू देख ही नहीं सकते कि कभी भी मेरे आँखों में आंसू आए वो बहुत ज़्यादा वो उनको नहीं आता बताने समझाने कोई इन सब चीज़ों को हैंडल करने वो सीधे गुस्सा करते हैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं कहते हैं कि नहीं उनका दिमाग बिल्कुल ख़राब हो जाता है कि नहीं रोते क्यों हो मत रोए करो, रोए स्ट्रॉन्ग बनो ऐसे ठीक है सासू माँ को भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि मैं रोँ या मेरे आँखों में आंसू है तो इसलिए ना मैं कोशिश करती हूँ मुझ जैसे मतलब सारे लोग ये कोशिश करते होंगे मे मेरे अंदर कुछ अभी ऐसी फीलिंग चल रही है ना कि जिसकी वजह से मैं इमोशनल थोड़ी सी हो रही हूँ तो मेरे अंदर ना ये चीज़ है कि मैं थोड़ा तो सा मतलब इस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ बहुत धीरे बोल रही हूँ बट इसलिए मैंने माइक लगा रखा है तो आवाज आई कि मुझे वो बात बहुत ज़्यादा छुपी कि किसी ने कॉमेंट किया होता तो है मैंने उस कॉमेंट को डिलीट कर दिया तो उन्होंने फिर से उस कॉमेंट को बहुत ज़्यादा मतलब मैंने रिप्लाई किया उनको तो और भी रिपीट करते गए करते गए फिर मैंने उस कमेंट को डिलीट कर दिया कि मुझे मुंह नहीं लगना है ऐसे लोगों के तो उन्होंने सासू माँ के लिए बोला हुआ था चीज़ कि अगर आपकी सासू माँ इतनी ही अच्छी है तो आपके मायके वाले क्यों नहीं आते दूसरी बात कि आपके सासू माँ इतनी ही अच्छी है तो क्यों सब आ, क्या बोलते हैं क्यों आपको ऊपर भेज दिया गया तो गाइज हर सवाल का जवाब नहीं दे सकते ठीक है कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारी पर्सनल होती है प्राइवेट होती है वो हम सोशल मीडिया पर नहीं ला सकते और इतना ज़्यादा उन्होंने बोला हुआ था कि मुझे ऐसा लगा कि नहीं मुझे आज बता देना चाहिए आप लोगों को कि देखिए मेरा ऊपर आना या नीचे रहना ये मतलब किस चीज़ से डिसाइड हुआ क्यों हुआ कैसे हुआ हमने सोशल मीडिया पे आके नहीं बताया ना ही हमारी पूरी फैमिली एक साथ बैठ के आके आपको बताएगी कि क्यों ऐसा हुआ रीजन है कुछ जो रीजन है बधे बंधे बंधे जो है आप लोग को बहुत अच्छे से पता है नहीं पता तो आगे भी बहुत अच्छे से पता चल जाएगा लेकिन मैं आपको इतना बात बताना चाहती हूँ हाँ ये बोला हुआ था मुझे डायरेक्ट कि आप में आप में कोई गलती होगी कमी होगी इसलिए आपको ऊपर भेज दिया आपके सासू माँ ने है ना? आप आपसे ही आप ही कुछ गलत मतलब तो कुछ पता नहीं क्या क्या ऊर्पर टांग तो मुझे तो ठीक से याद भी नहीं है तो मैं आपको एक बात बता दूं अगर ऐसी कोई बात होती ना कि हमें मुझे मेरी सासु माँ को मुझसे कोई दिक्कत होता या ऐसी कोई बात होती तो सासु माँ जो है ना हम कितने तारीख को आज पाँच तारीख है मेरी सासु माँ जो है ना वो नीचे मतलब अभी भी जैसे कि नीचे बन गया ना सब कुछ वो अभी भी यहीं सोती हैं हमारे साथ तो अगर उनको मुझसे कोई भी दिक्कत होता है ना वो उनका वो कहती है उनका मन करेगा वो ऊपर सोएंगी नीचे सोएंगी कहीं भी सोएंगी ठीक है पूरा घर उनका है ठीक है और जहाँ मर्जी वहाँ वो रहेंगी हाँ धनु आपका भी है जहाँ मर्जी वहाँ रहेंगी तो अगर मुझ में कोई कमी होती या मैं गलत होती या मेरा व्यवहार सही नहीं होता तो नीचे इतना सब कुछ हो गया है बन गया है सब कुछ सोलह तारीख को सब ने शिफ्ट कर लिया तो मेरी मम्मी जाके वहीं पर सो रही होती लेकिन नहीं वो आज भी यहीं सोती हैं हमारे साथ तो अगर जब हमें ऐसा लगता है ना कि नहीं, इस इंसान के अंदर कमी है तो इंसान वहाँ से भागता है उसके पास नहीं जाता लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जो जिनको कुछ भी बोलना होता है तो वो कुछ भी बोल देते हैं हर्ट करने के लिए या फिर उस टॉपिक पे वीडियोस आए या हम उनके साथ एक्सप्लेन करें तो गैस मैंने बहुत पहली बार बहुत पहले भी बता दिया कि हर बात को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हमारे हम अगर हमारा जो हमारी जो फैमिली आपको हंसी खुशी दिख रही है हम सब कुछ साथ में हैं हम सब कुछ खुश हैं सब कुछ इक्वल है सब कुछ एक जैसा है तो प्लीज़ जैसा मुझे तो उन लोगों को लेके मतलब मैं बहुत ज़्यादा थैंक्स उन लोगों को बोलना चाहती हूँ कि जितना हम सोचते हैं ना कि हमारी फैमिली में खुशियाँ बनी रहे उतना बहुत सारे ऐसे मेरे व्यूवर्स हैं सब्सक्राइबर हैं वो सोचते हैं कि मेरी फैमिली में खुशियाँ बनी रहे वो वो चाहते हैं हम सारे एक साथ रहें हंसते रहें खेलते रहें बात करें लेकिन ये एक दो के लोग ऐसे हैं ना जिनको सिर्फ दूसरों के घर में आग लगाना आता और कुछ भी नहीं दूसरों को सिर्फ हट करने आता है तो प्लीज ऐसे कमेंट मुझे मत किया करो आप ये रिक्वेस्ट है मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि आप ऐसे चीजें बोलो तो भाई मैंने वीडियो इसलिए कट किया क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोग कमेंट करो कि रो रो के वीडियो बना रही है सिंपत्ति ले रही है तो मुझे कोई सिंपत्ति नहीं चाहिए मुझे कोई रोना नहीं है मैं रोना चाहती ही नहीं हूँ बस थोड़ा सा इमोशनल इसलिए हो जा रहा है क्योंकि उनकी बातें ऐसी थी ना वो मुझे ऐसे चुभी थी उस इंसान की इतनी घटिया सोच थी ऐसे इतनी गलत बातें बोली थी कि मुझे ऐसा लगा कि मैं बता दूँ वरना मैं तो बताना भी नहीं चाह रही तो खैर छोड़ो इन लोगों को ये एक दो परसेंट के लोग हैं ना सच में बहुत 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 घटिया सोच वाले लोग हैं क्योंकि देखो इतने सारे व्यूवर्स हैं लाखों में व्यूज जाते हैं तो इतने सारे लोगों में सिर्फ पांच लोग ही गलत क्यों बोलते हैं क्योंकि उनकी मैंटेलिटी गलत है जहाँ इतने दो दो लाख ढाई ढाई लाख लोग एक जैसे बोलते हैं सब कुछ अच्छा बोलो उसमें पाँच लोग गलत बोले इसका मीन्स वो पाँच लोग ही गलत है ढाई लाख लोग गलत नहीं हो सकते वो पांच लोग गलत हैं ये सबको पता है कि ऐसे ही होता है तो खैर छोड़ो वो जानबूझ के ऐसे बोला जाता है किसी को उकसाया जाता है कुरेदा जाता है तो मैं अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी हूँ हम बहुत खुश हैं एक साथ हम कहीं जाना चाहते हैं आना चाहते हैं रहना चाहते हैं खेलना चाहते हैं हंसना चाहते हैं रोना चाहते हैं सब कुछ तो आप लोग को जो बोलना है आप लोग बोलते रहो उन सब चीज़ों से हमारे रिश्ते पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है हमारी फैमिली फैमिली एक साथ है खुश है सब कुछ ठीक है तो प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी इमेज ख़राब मत करो यहाँ आके कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा बोल के आपकी इमेज ख़राब होती है आपके घर वाले देखेंगे वो आपको बोलेंगे कि ठीक कैसी तुम्हारी सोच है हम भी तो देखते हैं हमें तो ऐसा नहीं लगता तो खैर छोड़िए तो हम अपने ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं ब्लॉग जो है कंटिन्यू रखते हैं जितना जो हो सके आपके साथ शेयर करते रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिएगा थैंक यू सो मच गाइज मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में